कर्नाटका मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सीनियर रिहायशी डॉक्टर्स और पीजी मेडिकल तलबा की तनख्वाहों में 25% इजाफा करने का हुक्म दिया है। ये फैसला रिहायशी डॉक्टर्स का हड़ताल का ऐलान करने के बाद किया गया है। मेडिकल एजुकेशन के वजीर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने इस मामले में मदाखलत की और अपने महकमे के अहलकारों को हुक्म दिया कि वो स्टाइपेंड्स में इजाफा करें। ये इजाफा 1 अगस्त से नाफिज किया जाएगा। पीजी रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए नई तजदीद शुदा वजीफे में पहले साल में 56,250 रुपए तक मिलेंगे, दूसरे साल 62,500 रुपए तक मिलेंगे और तीसरे साल के रिहायशी डॉक्टर्स को 68,750 रुपए तक मिलेंगे। सुपर स्पेशलिटी रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए स्टाइपेंड पहले साल में 68,750 रुपए तक होगा, दूसरे साल 75,000 रुपए तक होगा और तीसरे साल सुपर स्पेशलिटी रेसिडेंट डॉक्टर्स को 81,250 रुपए तक मिल सकते हैं। सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स को 75,000 रुपए तक मिलेंगे। कुल मंजूर शुदा नशस्तों की तादाद में पीजी के 3,540, सुपर स्पेशलिटी के 445 और सीनियर रिहायश डॉक्टर्स के 327 नशस्तें शामिल हैं, जो मजमूई तौर पर 4,312 नशस्तें बन जाती हैं।